हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीथिंग। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर रविचंद्र अश्विन के बारे में। दोस्तों, ये एक शानदार बॉलर हैं और साथ ही साथ इनकी बैटिंग का भी जवाब नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप अश्विन के फैन हैं तो इस वीडियो कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले। अश्विन का रियल नेम रविचंद्र अश्विन है, निक नेम आर अश्विन और अश्विन है। प्रोफेशन से एक क्रिकेटर है। अश्विन का जन्म 17 सितंबर 1986 को चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया में हुआ और 2020 के हिसाब से 34 साल के हैं। अश्विन ने अपने स्कूल की पढ़ाई पद्मा शहशादरी बाला भवन चेन्नई से की और इसके बाद ये हायर स्कूल चले गए एसटी बेडेज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई। और अश्विन ने कॉलेज की पढ़ाई श्री शिवा सुब्रमण्यन नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी SSN चेन्नई से की। मैं आपको बता दूं, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं अश्विन के करियर के बारे में। दोस्तों, अश्विन एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते थे और अश्विन के पिता क्लब लेवल पर फास्ट बॉलर के तौर पर क्रिकेट खेल चुके हैं। अश्विन के करियर में इनके स्कूल के कोच CK विजय और चंद्रा ने एक बड़ी भूमिका निभाई है और इन कोचों ने अश्विन की बॉलिंग स्टाइल को मीडियम फेस से ऑफ स्पिन में बदल दिया। और दोस्तों, 2006 में अश्विन ने एक बॉलर के रूप में तमिलनाडु के लिए स्टेट लेवल पर खेला और इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए अश्विन को इंडिया क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। अश्विन ने भारत के लिए तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी से अपनी प्रतिभा दिखाई। साथ ही IPL में 2009 से 2015 तक चेन्नई सुपर किंग के लिए खेला। इसके बाद 2016 में पुणे में और बाद में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेला। और दोस्तों, 2010 के इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर अश्विन को मई जून 2010 में जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाली टीम में चुना गया। अश्विन ने 5 जून 2010 को श्रीलंका के खिलाफ ODI डेब्यू किया जिसमें इन्होंने 32 गेंदों में 38 रन बनाए और साथ ही साथ उस मैच में इन्होंने 50 रन देकर 2 विकेट लिए। और एक हफ्ते बाद इन्होंने हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 डेब्यू किया जहां पर इन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट लिए थे। और इसके बाद 6 नवंबर 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अश्विन ने टेस्ट डेब्यू किया। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना अश्विन आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको अश्विन की फैमिली से। तो दोस्तों, इनके फादर का नाम है रविचंद्रन और इनकी मदर का नाम है चित्रा। और अश्विन ने 2011 में नारायण प्रीति से शादी की और इनके 2 बेटी भी हैं और इनकी बेटी का नाम अखीरा और आध्या है। अब बात करते हैं अश्विन के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अश्विन अपनी फैमिली के साथ चेन्नई तमिलनाडु में ही रहते हैं। जैसे कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनके कार कलेक्शन में कार है ऑडी Q7 जिसकी कीमत है 70 लाख रुपये। और इसके अलावा इनके पास कई सारी लग्जरी कार है। वहीं बात करें अश्विन के इनकम के बारे में, तो दोस्तों अश्विन को ODI मैच खेलने के लिए मिलते हैं 3 लाख रुपये और वहीं टेस्ट मैच खेलने के लिए मिलते हैं 5 लाख रुपये। और इसके अलावा इन्हें T20 मैच खेलने के लिए मिलते हैं 3 लाख रुपये और इनकी एनुअल इनकम है 7 करोड़ रुपये। वहीं अश्विन एक ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए लेते हैं लगभग 4.5 करोड़ रुपये। अब बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में, तो इनका नेटवर्थ है दोस्तों 110 करोड़ रुपये। तो ये थी रविचंद्र अश्विन की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं।